अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, जब भी मैं क्विज़ आई हूँ ना, तो मैं ना पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़े को मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो आते ही मैंने पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाया है। तो जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हम कुवैत के खानों को मिस करते हैं, और जब हम कुवैत में होते हैं तो पाकिस्तान के खानों को मिस करते हैं। ये इंसान है ना, किसी हाल में खुश नहीं रहता। बस ये कहता है कि वो चीज़ मिले जो इसके पास नहीं होती, वो चीज़ को चाहिए होती है। अच्छा, ये पिज़्ज़ा हट में मैं आ चुकी हूँ। पिज़्ज़ा हट का शायद मैंने आपको पहले भी शॉप दिखाई होगी, लेकिन थोड़ी सी आपको शॉप दिखाती हूँ, दूसरा इनको दिखाती हूँ कि इनका, जैसे पाकिस्तान में तो मैंने अक्सर गई हूँ, अब तो मेन्यू सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन्यू स्कैन करना होता है। तो फिर पिज़्ज़ा हट के ऊपर वो सारी ऐप वगैरह आ जाती है, उनकी जो डील होती है, जो उनके वो ऑफ़र्स होते हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्होंने हमें ना स्कैनर कह रहे हैं, स्कैनर है ये, इन्होंने हमें स्कैनर दिया था जिससे हमने स्कैन किया। तो पिज़्ज़ा हमने दूसरा खाना था, लेकिन गलती से मैंने मेन्यू में ये लिखवा दिया। मैंने कहना दूसरा था, ये जो ऊपर होती है जो होती है, ये बीफ की बनी होती हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये नहीं खाई जाती, ये वैसे तो नहीं खाई जाती, बाकी मतलब कि बहुत से मोस्ट लोगों की फेवरेट होती हैं, लेकिन हमसे ये नहीं खाएगी। गलती से हमसे ये पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया था, तो उससे वो जो चीज़ ऊपर ये बीफ की होती हैं, पता नहीं पिप्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, आप कुछ कहते हैं इनको ना। तो बस गलती से मुझसे ये वाला पिज़्ज़ा ना ऑर्डर हो गया था। पिज़्ज़े का तो वैसे टेस्ट अच्छा था, लेकिन ऊपर से ये हमें सारी निकालनी पड़ी। कैसे निकाल निकाल के हमने इसको साइड पे किया, ये मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। ये मैं हम निकालते गए और खाते रहे। ये जो होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा शौक से इनको खाते हैं। ये चिक बीफ की पट्टियाँ बनी होती हैं, तो ये पिज़्ज़े के ऊपर लगती हैं, सैंडविच के ऊपर भी लगती हैं। लोग इसको घर में ला के मुख्तलिफ पराठों में खाते हैं लोग। मैं लोकल लोगों की फेवरेट रही है हॉट डॉग, शायद आपने देखा हो, वो मिलती हैं, फ्रोज़न मिलती हैं, उसको काट के मैसेज ये बनती हैं। इसको पता नहीं पिप्स वगैरह कहते हैं, मेरे जहन में जब भी आ रहा, कभी आया तो फिर आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये इसकी चीज़, तो मैं आपको बताया इस तरह की चीज़, ये मैंने पाकिस्तान में पिज़्ज़ा खाया, लेकिन इस तरह की चीज़ मुझे नहीं मिली। मुझे ये पिज़्ज़ा हट की ही चीज़ थी जो हमें मुझे मिली है। तो मैंने इसको मिस किया और अभी खा रही हूँ, लेकिन वो जो आपको मैं बताती हूँ कि साइड, ये देखिए ना, आप जिस साइड पे करती जा रही हूँ, एंड में मैं आपको पिज़्ज़े का हाल भी दिखाऊंगी कि मैंने सारा खा लिया था, लेकिन वो जो। और फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, पाकिस्तान में जब मैं थी तो मैं भैया पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाती थी, लेकिन कुवैत में जब आती हूँ, कुवैत में एक ही ब्रांड है पिज़्ज़ा हॉट है, जिसका ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा होता है। दूसरे ब्रांड भी हैं, लेकिन पिज़्ज़ा हॉट का जो पिज़्ज़ा है बहुत मज़े का होता है। तो ये देखें, जो पिप्स थी जो एंड में वो निकाल दी, वो हमसे नहीं खाई गई, वो मैं नहीं खाती, तो इस वजह से ये देखें मैंने लैदा कर दी है ऊपर से। तो मुझसे गलती से ही पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया था, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो आई होप सो जी आपको मेरी स्मॉल सी छोटी सा व्लॉग कह लें, वीडियो कह के अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।